हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब इकबाल और आज मैं दोस्तों आपके लेकर आया हूं पबजी टेस्ट। मेरे पास है वन प्लस 7T। दोस्तों मॉडल की बात करूं तो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है ये, 2019 का मॉडल है। तकरीबन 3 4 साल हो जाएंगे, एक महीने बाद इसके तो 4 साल ही हो जाएंगे पूरे पूरे। तो हमने दोस्तों टेस्ट करना है पबजी के हवाले से क्या परफॉर्मेंस है। 8 GB रैम और 128 स्टोरेज के साथ ये मेरे पास जो वेरियंट है, एमुलेट 90 Hz पे काम करता है ये, रिफ्रेश रेट इसका। प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों, इसमें है स्नैपड्रैगन 855 प्लस। प्लस से बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि इसकी UFS स्टोरेज जो है मेमोरी, वो 3.0 पे काम करती है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाली है डिवाइस ये। दोस्तों शुरू कर लेता हूँ मैं गेम और मज़ीद बात करेंगे इस फ़ोन के हवाले से। तो दोस्तों गेम हमारा यहाँ स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स में भैया हमें मिल जाएगी सेटिंग, बैलेंस, HD, HDR, अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों, अल्ट्रा HD और अल्ट्रा FPS के ऊपर, यानी कि अल्ट्रा HD के ऊपर भी ये हमें 40 FPS की गेम प्ले देगा। स्मूथ में दोस्तों 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि इसमें एक 90 Hz का डिस्प्ले है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँगा इसके प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है इसमें, और मेरे ख्याल से वन प्लस का ये पहला प्रोसेसर था जिसमें इन लोगों ने 90 FPS इंट्रोड्यूस कराया था पबजी में। काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है ये, आज 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इसको, उसके बावजूद भी ये 90 FPS और ये सारे ऑप्शन दे रहा है। अभी शुरू कर लेता हूँ दोस्तों मैं गेम। भाई गेम तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है इसके, मैं FPS दिखा दूँ आपको, 90 FPS का है। यहाँ पर 11 भी मैंने ऑन कर दिया है, सिस्टम FPS मीटर दोस्तों मैंने इनेबल कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें FPS मीटर का थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है, यहाँ 60 तक तो शो कर रहा है लेकिन 90 FPS का ऑप्शन यहाँ शो नहीं कर रहा है। ग्राफिक्स में तो शो कर रहा है 90 FPS लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है FPS 90। तो ये शायद सॉफ्टवेयर या कोई अपडेट के बाद मसला हल हो जाएगा, आई थिंक कोई बग्स वगैरह होंगे, लेकिन ये 90 FPS का गेम प्ले दे रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त दे रहा है सिस्टम। और इसमें टेम्परेचर दिखा दूँ मैं आपको, 38 पे टेम्परेचर है। दोस्तों स्पीकर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी स्पीकर की है, इसमें ड्यूल स्पीकर दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर है ऊपर और नीचे साइड पे दोनों, और ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है। हैंड फ्री जैक यहाँ पर मिसिंग है। बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर है 3800 mAh की बैटरी है जो कि चार्ज होती है 30 W के फास्ट चार्जिंग से। फ्लैश चार्जर भी सपोर्ट करता है इसमें, और डैश चार्जर भी लिखा आता है अगर वन प्लस का होगा तो चार्जिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ से हो जाता है। बिल्ड टाइमिंग नॉर्मल है, इतनी ना ही मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना ही बहुत ज़्यादा कम है, एवरेज टाइमिंग है इसकी बैटरी की, मॉडल के हिसाब से बेहतरीन है। थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है दोस्तों, लेकिन अगर आप डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर की बात करें तो आपको कहीं से भी लगेगा नहीं कि कोई ओल्ड डिवाइस है। कैमरे भी इसके बहुत ही लाजवाब हैं, बैक पे OIS की सपोर्ट भी है, 4K 60 FPS भी रिकॉर्ड करता है, 1080 भी है। स्लो मोशन के अंदर ये 240 FPS रिकॉर्ड करता है 1080 पे, और 720p पे करता है ये आई थिंक 420। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार परफॉर्मेंस ओवरऑल फ़ोन की, कोई भी मसला नहीं है।
दोस्तों प्राइस की बात करता जाऊँ तो पाकिस्तान में अभी इसकी प्राइस है 40 से 45 हज़ार तक। कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपको अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन का पीस मिल जाता है तो 45 तक मिलेगा। ड्यूल सिम, इसकी ड्यूटी जो है पीटीए की बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपको पैच ही मिलेगा ये। लेकिन ये कि वन प्लस के अंदर जो पैच फ़ोन है उनका भी कोई मसला नहीं है, जैसे कि सैमसंग वगैरह में होता है कुछ एप्लीकेशन नहीं चलती हैं रूट की वजह से, रूट होकर होता है, तो ये इसमें कुछ तरह का मसला नहीं है वन प्लस के अंदर। ये आपको कोई तंग करने वाला नहीं है पैच में भी। दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 90 FPS का ऑप्शन मेरे ख्याल से और नहीं मिलेगा कोई। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, टोटली फ्लैगशिप मॉडल है ये, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, फ्लैगशिप डिस्प्ले है, कैमरा वाइज बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि अगर आपकी 40 तक की रेंज है तो ये आपको पूरा पैकेज समझ लगे मिल रहा है, ड्यूल सिम और हर तरह से, बड़ी टाइमिंग, फास्ट चार्जिंग, सारा कुछ ओके है। ये 90 FPS से उसका गेम प्ले है अभी। ये भैया इंतज़ार कर रहा था हमारा यहाँ पर। या मैं आपको HDR पे भी ऑन करके दिखाता हूँ कि HDR पे 60 FPS का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो गेम का HDR ऑन है और देखें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ कहाँ से पड़ रही हैं गोलियाँ। देखें बोलिए मैंने कितना कम रखा हुआ है, उसके बाद भी आवाज़ जो है फ़ोन की बहुत ज़्यादा लाउड है। दोस्तों HDR ऑन है फ़ोन का, उसके बावजूद देखें FPS बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शो करवा रहा है। अब ये तो मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता है कि FPS वाकई में दिखा रहा है या सिर्फ रुके हुए हैं डमी। हालांकि मैंने इसका गेम मोड जो है मैंने अपडेट भी कर दिया है, उसके बाद भी मसला आ रहा है। अरे भाई एक एक बंदा नहीं मुझसे मारा। तो दोस्तों कैसा लगा गेम प्ले, तो बिल्कुल ही बेकार था मेरा। खैर डिवाइस आपको कैसी लगी, OnePlus 7T? मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन है ये, 4 साल का, इस 4 साल की है इसकी दोस्तों, तो अच्छी परफॉर्मेंस है इन पैसों के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त है डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, हर तरह से परफेक्ट है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।